सभी के प्रति मंगल कामना के साथ मैं कृष्ण गोपाल पांडे आपका स्वागत करता हूँ। आज का विषय है ऋषि श्रृंग या श्रृंगी ऋषि का जन्म, राम की बहन शांता से श्रृंगी ऋषि का विवाह, राजा दशरथ के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ करना आदि बातें। यदि आप इन सभी बातों के बारे में पढ़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हैं। ऋषि श्रृंग या श्रृंगी ऋषि कश्यप ऋषि के पौत्र और विभंडक ऋषि के पुत्र थे। उनके जन्म के बारे में तीन अलग अलग कथाएं मिलती हैं। एक मत के अनुसार उनका जन्म उर्वशी नामक अप्सरा से माना जाता है। एक अन्य मत के अनुसार एक देवकन्या ने ब्रह्मा जी के शाप के कारण एक मृगी के रूप में जन्म लिया था और उसी मृगी से ऋषि श्रृंगी का जन्म हुआ था। एक अन्य मत के अनुसार उनका जन्म मृगपदा से, जो एक देवकन्या थी, के गर्भ से हुआ था, ऐसा माना जाता है। वाल्मीकि रामायण के बालकांड के सर्ग 9 से 14 तक के अनुसार उनका विवाह अंग देश के राजा रोमपाद की दत्तक पुत्री शांता के साथ हुआ था, जो वास्तव में राजा दशरथ की पुत्री थी और भगवान राम की बहन थी। इस प्रकार ऋषि श्रृंग भगवान राम के जीजाजी हुए। श्रृंगी ऋषि ने राजा दशरथ के पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ भी कराया था। ऋषि श्रृंग का पालन पोषण उनके पिता विभंडक के द्वारा एक अरण्य में अर्थात वन में हुआ था। यह अरण्य अंग देश की सीमा से लगता हुआ था। उस समय अंग देश में राजा रोमपाद का शासन था। उनके अर्थात रोमपाद के पाप कर्म और अत्याचार के कारण एक बार उनके राज्य में वर्षा नहीं हुई, जिससे वहां अकाल पड़ गया। इस संकट की घड़ी का सामना करने के लिए राजा रोमपाद ने सुविज्ञ एवं शास्त्रों के ज्ञाता ब्राह्मणों को बुलाया और उनसे इस अनावृष्टि के संकट से उबरने का उपाय पूछा। इस पर ब्राह्मणों ने कहा कि यदि किसी तरह विभंडक मुनि के पुत्र ऋषि श्रृंग को यहाँ अर्थात अंग देश लाकर यथावधि उनका सत्कार किया जाए तो यहाँ वर्षा हो सकती है और अकाल से मुक्ति मिल सकती है। राजा रोमपाद ने अपने मंत्रियों और पुरोहितों को ऋषि श्रृंग को अंग देश लाने का उपाय पूछा। प्रत्युत्तर में उन्होंने कहा कि वैसे तो उन्हें अर्थात ऋषि श्रृंग को उनके आश्रम से यहाँ लाना बहुत कठिन है, परंतु यदि रूपमती और अलंकार युक्त गणिकाएं भेजी जाए तो वे उन्हें किसी तरह रिझा कर यहाँ ला सकती हैं। हुआ भी ऐसा ही, वे गणिकाएं ऋषि श्रृंग को मोहित करके उन्हें अपने साथ अंग देश लेकर आ गई। श्रृंगी ऋषि के नगर में पहुंचते ही रोमपाद के राज्य में वर्षा होने लगी, जिससे सब प्राणी प्रसन्न हो गए। रोमपाद ने यथाविधि अर्घ्य पाद्यादि प्रदान कर उनका पूजन किया और उनसे वर मांगा कि उनके पिता विभंडक मुझ पर क्रोध न करें। फिर रोमपाद ने ऋषि श्रृंग का विवाह अपनी दत्तक पुत्री शांता से कर दिया। इसके कुछ समय बाद श्रृंग ऋषि ने अयोध्या के राजा दशरथ की पुत्र कामना के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया था। परिणाम स्वरूप राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ था। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में ऋषि श्रृंग का मंदिर भी है। इस मंदिर में ऋषि श्रृंग के साथ देवी शांता की प्रतिमा विराजमान है। यहाँ दोनों की पूजा होती है और दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। इसके साथ ही ऋषि श्रृंगी के बारे में जानकारी समाप्त हुई।